खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मीनापुर प्रखंड अंतर्गत राघई पंचायत से नव निर्वाचित मुखिया संत कुमार से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बात की तो उनका कहना है कि 2016 से जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति कमी के कारण राघई पंचायत का विकास नहीं हो पाया। सरकारी योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई। जरूरतमंद ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाए। भ्रष्टाचार और दलाली को खत्म करूंगा, ग्रामीण हमें मौका दें, उनके विश्वासों पर खरा उतरने का काम करूंगा। हमारा पंचायत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, सांसद और विधायक तथा सरकार से सहायता लेकर निजात दिलाने का काम करूंगा। सरकार की सारी योजनाओं को आम सभा के माध्यम से जानकारी दें, जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम करूंगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर प्रखंड के रघई पंचायत में हम आए हुए हैं और रघई पंचायत से संत लाल जी, संत कुमार यहाँ के प्रधान पद पर नियुक्त हुए हैं। अच्छे खासे मत से उन्होंने विजय हासिल कर इस पंचायत की बागडोर को संभाला है। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि पूर्व में 5 साल ग्रामीण कैसी हालत में थे, सरकार और केंद्र की योजना, बिहार राज्य की योजना कैसे धरातल पर उतरी, कितने ग्रामीणों को लाभ मिल पाया, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये विजय हासिल किया है, इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है, ये किन उद्देश्यों के साथ अपने ग्रामीणों के लाभ के लिए कार्य करेंगे, जो लाभुक बन सकेंगे और योजना को किस तरह से धरातल पर उतारेंगे। इसलिए कि देखा गया है हर बार ग्रामीणों के साथ वादे अनेक किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति के कमी के कारण उन ग्रामीणों को लाभ नहीं पहुंच पाता है। आइए इनसे जानना चाहते हैं इनकी क्या इच्छा शक्ति है। पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम संत कुमार हुआ जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पूर्व में 5 साल जो बीता है उसमें यहाँ की क्या वस्तु स्थिति क्या थी आपके इस रघई पंचायत की। देखिए 5 साल पहले क्या, मैंने 16 में हम भी चुनाव लड़े थे जी, मोटा मोटी सेकेंड स्थान 1600 के लगभग मत लाए थे जी। उस समय के बाद जी, 16 के बाद से 2021 तक जी, इस पंचायत में देखने को जो मिला जी, सरकार की जो योजना है जी, उसको बहुत नजदीकों से हमने देखा है जी। प्रधानमंत्री आवास योजना है जी, या मुख्यमंत्री आवास योजना जी, वह योजना जिसके पास छत नहीं है जी, उसको छत के लिए इंदिरा आवास दिया जाता है जी, यहाँ छत वाले को, फूस वाले को छत नहीं मिला, ये छत वाले को डबल छत बनाने के लिए जरूर मिला, यही तो देखने को मिला। तो कहाँ गड़बड़ी लग रही है आपको कि जिसके कारण पूर्व में 5 साल में इस तरह से ग्रामीणों के साथ सरकार की तरफ से तो हम कमी नहीं बता सकते हैं जी, ये प्रतिनिधि के कारण कमी बता सकते हैं जी। अब प्रतिनिधि के साथ साथ जो भी छोटा मोटा कर्मचारी है उसके द्वारा गलत इस पंचायत में हुआ है जी। जो 2 करोड़ और 3 करोड़ के मकान बनाया उसी को इंदिरा आवास मिला, यहाँ तक अभी 1 महीना के मोटा मोटी शपथ ग्रहण के होने वाला है, घूमकर जब पता लगाते हैं तो तीनों किस्त निकल गया, ये उसका छत नहीं है, फूस का फूसे है, तो पता लगाते हैं भाई इसका पेमेंट कैसे हुआ। तो लोग कहता है कि फल्ला के मकान पर घिंचवा लिया गया, फल्ला के मकान पर घिंचवा लिया। तो रोड पर आएगी तो अपना आवाज तो जरूर बुलंद करेगी ना जी, हक अपना तो मांगेगी। इसके लिए नीतीश कुमार उस महिला को रोड पर जब आरक्षण दिए हैं तो उसे अपना हक मांगने का अधिकार दिए हैं, तो मांगो हमसे। तो आपके पंचायत में सशक्तिकरण पर, महिला सशक्तिकरण पर, उसके स्वरोजगार पर कार्य किया जाए, ये हम करेंगे, देखते तो है, वो अभी तक शपथ ग्रहण ले एक आध महीना हो जाए, देखे तो कौन कौन योजना, किस महिला के लिए क्या योजना है, जेंट्स के लिए क्या है, योजना को आवे तो तब ना उसको धरातल पर लाएंगे, सपना दिखाने का काम हम नहीं करेंगे। सरकार की योजना आएगी वह उस महिला के पक्ष में आएगा, महिला के पास जाएगा, जेंट्स के पास जाएगा, ये योजना आएगा तब, सपना दिखाने वाला पंचायत हम नहीं बनाने जा रहे हैं। अभी तक तो जनरली देखा गया है कि जो प्रतिनिधि हैं
प्रतिनिधि पद पर बैठते ही वो जो आपने वादे करते हैं वो सारे वादे पीछे हट जाते हैं, उनका अपना एक एजेंडा चलने लगता है। मेरा जो सोच है कि दलाली मुक्त पंचायत बनाएंगे, अभी तक दलालों का गेट पर एंट्री नहीं हुआ। दूसरी बात कि हर कर्मचारी को कहते हैं कि आप आइए काम कीजिए, जनता खुश होता है, आप भरपेट भोजन कीजिए घर, ये जनता को खुश होने के बाद भोजन मिलेगा। मतलब अंचल की स्थिति को आप सुधारेंगे? प्रयास करेंगे। सुनते रहे बहुत पेपर में, बहुत मीडिया वाले के द्वारा सुन रहे हैं कि बहुत भ्रष्ट प्रखंड में अंचल का स्थिति खराब बता रहा है लोग। प्रखंड के बारे में तो बहुत कम बता रहा है, ये अंचल के बारे में ज्यादा बता रहा है। हमने एक दिन सीओ साहब से बात की तो सीओ साहब बोले कि क्या बताते हैं, बता रहे हैं मुखिया जी कि 26 को पंचायत है, 2 कर्मचारी है, क्या करे। तो उसको भी बेचारा, जब सरकार उसको कर्मचारी नियुक्ति नहीं करेगा तो सीओ कहाँ से बहाल कर देगा, कहाँ से काम देगा। मान गए 4 अमीन का जरूरत है, 1 अमीन तो 4 दिन में 18 दिन के बाद 20 दिन के बाद डेट आता है। तो कर्मचारी के कमी से भी कुछ भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है प्रखंड का। मान गए कि एगो मान एक पंचायत में 1 कर्मचारी की जरूरत है, उस कर्मचारी को 5 पंचायत दे दीजिए, वर्क बढ़ेगा, ऑटोमेटिक काम कम होगा तो विवाद ज्यादा होगा, घुसखोरी बढ़ेगा। मान के 10 को दलाल लग जाएगा, वो कर्मचारी कने 10 को दलाल 10 रुपया फॉर्म लेके जाएगा, उसको काम करेगा, कर्मचारी का मनमाना काम चलेगा। और वही कर्मचारी एक पंचायत में एगो रहेगा तो कहाँ से मन भरेगा, उसको तो करना है उसी पंचायत में। यही सब है, मिला जुला के लगता है कि परिवर्तन होगा। और ऐसे भी हम मुखिया संघ का प्रखंड अध्यक्ष भी है जी। हम जनता का पार्टी है, किसी दल का पार्टी हम नहीं है, किसी दल का मेंबर भी नहीं है। हम सबसे हट करके मेरा अलग अपना सोच, अपना चलने का तरीका अलग है। केंद्र और बिहार की योजना जो आती है, योजना बहुत ऐसी योजना है जो ग्रामीणों को जानकारी भी है। हम तो अब लगता है कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों सरकार की योजना धरातल पर दिखाई देगा और जनता के घर घर इस जानकारी पहुंचाएंगे, यह योजना बिहार सरकार का है और योजना बिहार सरकार का है। अब जैसे प्रधानमंत्री है योजना, वो बिहार सरकार का नहीं है, वो केंद्र सरकार का है। ऐसे जो सरकार केंद्र सरकार की योजना है, जो केंद्र सरकार के लोग के बीच बताएंगे कि केंद्र सरकार की योजना है, जो बिहार सरकार की योजना है वो बिहार सरकार की योजना है। देखिए, सरकार की कमी हम नहीं देंगे, सरकार तो देती ही है। मान गए कि प्रधानमंत्री ईमानदार है तो पूरा सांसद और कोनो केंद्र का मंत्री ईमानदार थोड़ी हो गया। एक नीतीश कुमार ईमानदार है तो पूरे बिहार के मंत्री को हम ईमानदार थोड़ी मान लें। अरे गार्जियन ईमानदार है, ब्रांचवा के लोग ईमानदार है तब ना, क्या कहिएगा। अच्छा चलिए, आपके यहाँ भ्रष्टाचार है, दलाली चरम सीमा पर है, उसको कैसे आप दिलाएंगे? हम अपने पंचायत में प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि प्रयास करेंगे। ये मान गए कि हमें कोई आदमी कोर हो जाए और 10 दिन के स्नान करने से आई दवा लगा देने से कोर थोड़ी दूर हो जाए, उसके लिए धीरे 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 समय लगेगा। ये प्रयास रहेगा कि दलाली मुक्त पंचायत बना देंगे। शिक्षा का क्या सोच रखे आप? शिक्षा को स्थिति बहुत खराब है, सरकार इतना रुपया शिक्षा पर दे रही है, इतना खर्च कर रही है, और यहाँ के टीचर लोग हैं, यहाँ राजनीति करने से फुर्सत मिलेगा तब ना? है तो इसी पंचायत का टीचर, इसी पंचायत में पढ़ाना है, कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा, कोई चाचा होगा, कोई पोता होगा, कोई नाना होगा, कोई नानी होगा, आता है खेलकूद के चला जाता है, कहाँ यहाँ पढ़ाई लिखाई होता है, कौन स्कूल में कर रहे हैं, किस स्कूल से पूछिएगा। जो स्कूल का टीचर सब जो है पढ़ाता है उससे जरा पूछिए ना, उसका बेटा कहाँ पढ़ता है, देहरादून पढ़ता है, गुजरात पढ़ता है, बॉम्बे पढ़ता है, और वो दूसरे को बच्चा को क्या पढ़ाएगा। सरकार को ठगता है, रुपया लेता है 32,000, 33,000, 40,000, जुआ खेला, हाथ मोला घरे गया, राजनीति करता है। तो फिर हमारे ग्रामीण क्या भविष्य कहाँ जाएगा? वही भगवान भरोसे है। हमने शिकायत आपको, जैसे आपका शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को कहा जी। तू कहता है कि जानते नहीं है कोरोना हो गया, कभी कही अरे उसको अति में लगा, जनगणना में लगा दिए हुए हैं, ये बहाना है। तो क्या लगता है आप उस पर ध्यान देंगे? प्रयास तो मेरा रहेगा, लिखेंगे, सरकार तक ले पहुंचाएंगे, मंत्रालय तक पहुंचा देंगे इस
इस पंचायत का कमी को जिस विभाग का होगा उस विभाग के मंत्रालय तक पहुंचा दें। चलिए, आपके मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दे रहे हैं। वह महिला को आरक्षण दिए, 50% महिला सरपंच बन गई है, मुखिया बन गई है, वार्ड मेंबर बन गई है। तो कब तक दबके हुए है, यहाँ बंदर बांट हुआ है, सर जमीन पर हुआ नहीं है। मतलब कि जन प्रतिनिधि और ब्लॉक स्तर पर जो लोग हैं, हाँ, इस पैसे का बंडरबांट किए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे पैसा लेना देना तो अपनी जगह पर जी, ये धरातल पर सरजमीन पर काम दिखाई देना चाहिए। सरकार ने भेजा कि हमारे एक लक्ष्य रखे हुए हैं कि फलना से फलना, फलना साल से फलना में पूरे बिहार या पूरे भारत को मैंने फूस खत्म करके सबको छत देंगे जी। तो सरकार तो छत के लिए पैसा दे ही रही है। ये पंचायत में या प्रखंड लेवल पर प्रतिनिधि एवं कर्मचारी पहले छत दो ढालने का जगह तो बना दे, तो जगह कहाँ है, कहाँ छत ढला है। किसी को जाइएगा तो तीसरा पेमेंट हो गया, कोई कुर्सी पर है, कोई लिंटर पर है जी। आ किसी को तो फूसके फूसे है, तीनों पेमेंट है। मतलब जरूरतमंद जो नीडी है ग्रामीण उनको नहीं दिया गया। मिलता है अब उससे 40,000 रुपये, बताइए पहला किस्त आपने दिया 40,000 रुपये, अब उससे आप 30,000 या 40,000 ले लीजिएगा, कहाँ से बनाए। यहाँ हमारे यहाँ नरेगा का जी, जिंदा को मजदूर को देखे हैं जी, ये मृत्यु मजदूर को तो आज तक हम लोग नहीं देखे हैं जी, जी। या कोई भी नहीं देखा जी, जी। या यहाँ मर गए व्यक्ति जो 14 में 12 में 11 में, वह व्यक्ति आके 19 में 20 में पेमेंट ले गए, और जिंदा बेचारे भूखे मर रहे हैं, बाल बच्चा भूख मर रहा है, वो अपने भूख मर रहा है। अभी जैसे कोरोना का दौर है जी, तो बाहर बहुत लोग नहीं जा रहे हैं, अभी ठंडा ज्यादा पड़ रहा है, इसमें उसको कहूँ मजदूरी नहीं मिल रहा है, भूखे तरह पर रहा है। ये उसका मजदूरी नरेगा में नहीं मिला, मिला उस व्यक्ति को जो मर गया, यही तो इस पंचायत में हमने देखने को मिला है। चलिए, ये तो आपका मैंने पूर्व 5 साल का स्थिति है कि बद से बदतर स्थिति आपके पंचायत की थी। जनता ग्रामीण आपको मैंडेट दी, आप जीत के आए, तो आप अपने ग्रामीणों के प्रति और अपने पंचायत के प्रति क्या सोच रहे हैं? जनता का जिस वादा पर वोट लिए और जीत के आए जी, उस वादा को पूरा करने के लिए जिस हद तक जाना हो जी, हम जाएंगे और उस वादा को पूरा करेंगे। जैसे इंदिरा आवास जी, तो जरूर प्रयास करेंगे कि हम उसको छत दे जी, सरकार की लाभ को उसके आप पहुंचावे गरीब के पास, गरीब से प्रेम से बाबू दादा करके जैसे हो जी, उस योजना को पूर्ण करने के लिए काम करेंगे। रह गई बात कि लोग जैसे छतदार मकान वाले और उसी बगल में एक भाई फूस वाला है जी, तो पहले फूस हम प्रयास करेंगे फूस को समाप्त करें, और सरकार की जो योजना है वह सरजमीन पर उतारे, जैसे इंदिरा आवास है, रोड है, नाली है, गली है, ये तो सरकार की योजना सरजमीन पर दिखाई देगा 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर के अंदर में, कि पूर्व 5 साल क्या हुआ, 6 महीना में क्या हो रहा है, वो आप भी देखिएगा, जनता भी देखेगी, हर लोग देखेंगे। जैसे विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, चक्कर लगाते लगाते वो 60-65-70 वर्ष के बूढ़े है, पूर्व में जो मुखिया है, जिस प्रयास करेंगे, उम्मीद रखिए कि होगा, जनता का पूरा पूरा काम होगा। होगा जनता से ग्रामीणों से क्या कहना चाहिएगा? देखिए जनता को यही कहेंगे कि सब जनता हमारे लिए एक समान है, जिस योजना लायक जो जनता है उसी लायक योजना में तैयार रहे। कुछ हमारे जनता भी बेकूफ की तरह करते रहते हैं, मान गए कि जब दुतल्ला मकान बना लिए उनको भी कहते हैं इंदिरा आवास चाहिए जी, जी। अरे जिसके लिए इंदिरा आवास है देखो तो कटगोड़िया, जिसको फूस नहीं है, फूस वाले उसको छत दे दो, तब ना मान गए कि तुमको ढनमनियाल छत को देखेंगे, ढनमनियाल छत देखें तो फूस जस के तसे रह जाएगा। तो कुछ जनता भी होता है, क्या कहते हैं, हर तरह के जनता होते हैं।
देखिए इनसे बात करने के बाद एक ही निष्कर्ष पर निकले हैं, बहुत सारी इनसे बात है, वही चर्चा हुई विकास को लेकर के। इनका कहना है कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ज़्यादातर देखा गया है कि हर पंचायत में बदलाव हुआ है, तो उसका एक ही कारण है, विकास नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ग्रामीण चाहते हैं विकास होना, इसलिए बदलाव किए हैं। अब यहाँ के जो प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं, अब उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने पंचायत को कितना विकास की ओर ले जाएगी। वही संत लाल जी का कहना है कि मैं अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बना के लूंगा। काम शुरू होते ही या ग्रामीणों के लिए जो जरूरतमंद है, जो नीडी है, जिनकी झोपड़ी है, उनका छत बनवाने का काम करेंगे। अभी आने वाला वक्त बताएगा। अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर।